कर दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मज़ेदार वीडियो में, जहाँ पे मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ Realme 6 Pro के कैमरा के वीडियो कैपेबिलिटीज़ के बारे में। उसके वीडियो का बोके टेस्ट करेंगे, उसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग टेस्ट करेंगे डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं तकनीकी वर्ल्ड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट्स के लिए। तो आप शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं बोके वीडियो के बारे में। तो अभी जैसे मैं एक जगह पे खड़ा हूँ और वीडियो शूट हो रहा है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से बोके देखने को मिल जाता है। और जैसे ही हम थोड़ा बहुत मूव करने लग जाते हैं, तो फिर बोके में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा शायद, जैसे ही मैं वॉक करता हूँ तो बोके इतना कंटिन्यूस नहीं रह पाता है और कैमरा जो है वो फोकस हंटिंग करता रहता है। ये चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आपको स्टेबल वीडियोस लेने हैं, एक जगह पे लेने हैं, तब तो इसका बोके इफेक्ट वीडियो बहुत ही अच्छे से काम करता है। पर अगर आप मूव कर रहे हो कहीं आसपास, तो उस चीज़ के लिए ये इतना फायदेमंद नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बैकग्राउंड ब्लर को आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बैकग्राउंड ब्लर को 60% पे रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप 60% पे ब्लर को सेट करते हैं तो आपको किस तरह से बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिल जाएगा। तो अब जो ये आप देख रहे हैं, इसमें मैंने बैकग्राउंड ब्लर को 100% कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप 100% कर देते हैं, तो आपको बैकग्राउंड में किस तरह से ब्लर देखने को मिल जाता है और किस तरह से वो बढ़ जाता है। तो Realme 6 Pro के बोके वीडियो मोड का ये फीचर मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा है। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, ये वीडियो जो है वो मैं नॉर्मल मोड से शूट कर रहा हूँ। उसके अलावा आपको इसमें टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिल जाता है और उसके ज़रिए भी आप बोके वीडियो ले सकते हैं। तो अगली फुटेज में मैं आपको दिखाऊँगा कि जब आप टेलीफोटो लेंस से बोके वीडियो लेते हैं तो आपको किस तरह से देखने को मिल जाता है। अब जो आप वीडियो देख रहे हैं, वो मैं इसके टेलीफोटो लेंस के साथ शूट कर रहा हूँ और मैं जहाँ पे खड़ा था अभी भी वहीं पे खड़ा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि टेलीफोटो लेंस की वजह से डिस्टेंस जो है वो कितना कम हो गया है और ये कितनी अच्छी तरह से ब्लर कर पा रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। जब आप मूव करते हैं तो ये कितनी अच्छी तरीके से ब्लर कर पाता है या नहीं कर पाता है, उस चीज़ को देखने के लिए ही मैंने ये पर्टिकुलर पार्ट को बनाया है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि अभी मैं मूव कर रहा हूँ और ये ब्लर को किस तरह से एडजस्ट कर रहा है, वो भी आप देख सकते हैं कि कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जब आप मूव करते हैं तो ब्लर इतने अच्छे से नहीं हो पाता। तो जैसे पिछली फुटेज में आपने देखा कि जब आप साइड में मूव करते हैं तो बोके इतनी अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं कर पाता है, पर जब आप कैमरे के एकदम सामने होते हैं और मूव करते हैं आगे पीछे, तो उस सिचुएशन में ये बोके को किस तरह से एडजस्ट करता है वो आप इस पार्ट में देख सकते हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बैक के साथ साथ इसमें आपको फ्रंट कैमरा में भी वीडियो बोके मोड देखने को मिल जाता है। तो जो अभी आप देख रहे हैं, वो मैं इसके फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर रहा हूँ और बोके को मैंने 60% पे सेट कर रखा है। उसके साथ ही जब मैं वॉक करता हूँ तो ये किस तरह से ब्लर को एडजस्ट कर सकता है, उस चीज़ का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अभी मैं ये फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ और बोके को मैंने 100% पे सेट कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि जब आप ब्लर को बढ़ा देते हैं तो ये कुछ किस तरह से वीडियोस लेता है और किस तरह से एडजस्ट होता है। और सनलाइट अभी मेरे फेस पे आ रही है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि जब सनलाइट चेहरे पे आती है तो ये किस तरह से वीडियो में परफॉर्म करता है। साथ साथ इसमें आपको फ्रंट कैमरा में भी वीडियो बोके का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लर है वो 60% पे सेट किया हुआ है। तो अभी मैं उसी मोड में वीडियो शूट कर रहा हूँ और साथ ही साथ अभी वॉक भी कर रहा हूँ, तो आपको स्टेबिलाइजेशन का भी अंदाज़ा लग जाएगा। ये जैसे स्टेबिलाइजेशन तो मुझे दिख रहा है फ़िलहाल, तो जैसे मैं घूमता हूँ तो आपको डायनामिक रेंज का भी अंदाज़ा लग जाएगा। अभी सन जो मेरे पीछे आ गया है तो ये किस तरह से एडजस्ट कर रहा है वो आप देख सकते हैं। ये अभी सामने आ गया है, उसके बाद अभी मैं शेडोड एरिया में चला जाता हूँ और देखता हूँ। तो अब मैंने बोके को बढ़ा दिया है और 100% कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि जो बोके वो पीछे बढ़ गया है और साथ ही साथ मैं वॉक भी कर रहा हूँ, तो ये वीडियो को स्टेबिलाइजेशन भी दे रहा है और साथ ही साथ जो फ्रेम है वो कट हो रही है, मतलब इतना वाइड एरिया कवर नहीं हो रहा है। अभी मैं घूमता हूँ तो आपको डायनामिक रेंज का भी अंदाज़ा लग जाएगा। तो आउटडोर्स के तो सारे
सारे सैंपल मैंने आप लोगों को दिखा दिए। अगर लाइट अच्छी हो तब तो इसका बोके मोड बहुत अच्छे से काम करता है, और जब आप थोड़ा बहुत मूवमेंट करते हैं तब उसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अब हम इंडोर चले आते हैं और आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में ये जो बोके वीडियो मोड है वो किस तरह से काम करता है तो वो देख लेते हैं। तो इंडोर कैसे परफॉर्म करता है रियलमी 6 प्रो का बोके वीडियो मोड, तो वो चीज को जानने के लिए आप वीडियो की ये पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि ये पूरा वीडियो मैंने रियलमी 6 प्रो के कैमरे से ही शूट किया है और ये पार्ट भी उसी से शूट कर रहा हूँ। और जैसे वीडियो में मुझे तो दिख रहा है कि ये बहुत अच्छे से ब्लर कर रहा है, तो आप लोग भी देखिए और अपने आप अंदाजा लगाइए कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अगर आपकी प्रायोरिटी बोके वीडियो लेना है तो आप इस फोन की तरफ जरूर देख सकते हैं और इसे परचेस कर सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन यही निकल के आता है कि ये जो बोके वीडियो मोड है ये बहुत अच्छे से काम करता है, फिर चाहे वो आउटडोर हो, इंडोर हो या फिर आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन हो, जब तक आप ज़्यादा मूव नहीं करते हैं तब तक ये बोके वीडियो मोड बहुत अच्छे से काम करता है। तो पर्सनली मुझे तो ये जो रियलमी का बोके वीडियो मोड है वो बहुत ही पसंद आया है। तो बस यही था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको अलग अलग कंडीशन में रियलमी 6 प्रो का जो ये बोके वीडियो मोड है वो किस तरह से वर्क करता है वो दिखाने की कोशिश की है, और साथ ही साथ ये भी बताया है कि वो ये किस तरह से काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट्स के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं रियलमी 6 प्रो का फुल कैमरा रिव्यू और उसके बहुत सारे कंपेरिजन भी लाने वाला हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।